तो है मेरा तन्हा जाना, आओ तुम महफिल हो, इश्क से है सारी खुशियाँ। कैसे गुम हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। राही जाना दिल की तुम मंजिल हो, दिल तो है एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो, दिल न फिर कुछ मांगे जाना तुम अगर हासिल हो, दिल तो है मेरा तन्हा जाना, आओ तुम महफिल हो, इश्क से है सारी खुशियाँ, इश्क ही बर्बादी, इश्क है पाबंदी लेकिन इश्क ही आजादी, इश्क की दुनिया में यारों ख्वाबों की आबादी, खो गया वो जिसको मंजिल इश्क ने दिखला दी। देखो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं, इश्क में कैसे गुम हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तीनों सीट के लिए, पेमेंट सीट के लिए, गवर्नमेंट सीट के लिए और
NRI सीट के लिए, ठीक है। तो वीडियो लेंदी होगा क्योंकि खाली का फिर स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में जाननी है, तो थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, बट अभी डिस्कस करेंगे। बट देखिए तीनों के तीनों कॉलेज गवर्नमेंट है, लेकिन पेमेंट पे भी एडमिशन होती है, ठीक है। पेमेंट सीट, मैनेजमेंट सीट, ठीक है ना। तो उसका फीस स्ट्रक्चर देखेंगे। गवर्नमेंट सीट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट इसमें भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि एक जगह सारे फीस स्ट्रक्चर मेंशन है। तो यहाँ पे जबलपुर में, महो में, रेवा में फीस स्ट्रक्चर देख लेंगे। और इसकी यूनिवर्सिटी कॉमन है तीनों कॉलेज की, तो नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में, ठीक है। एक कॉमन यूनिवर्सिटी है तीनों कॉलेज की, तीनों की तीनों प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट है, बट पेमेंट सीट पर एडमिशन होता है। चलिए फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। देन सब तो ये सब सीटी स्ट्रक्चर है, सीटी स्ट्रक्चर छोड़िए, अब देखते हैं आपको फीस स्ट्रक्चर ले चलते हैं। लोगों को बहुत डाउट हो रहा था कि यार आपने तो गवर्नमेंट की सीट की तो पेमेंट की बात तो कर लिया, लेकिन पेमेंट सीट की बात किया ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम ये वीडियो को फिर से बना रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को मैसेज आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि हमको जबलपुर का पेमेंट सीट पे, जितना जबलपुर की यूनिवर्सिटी में जितना भी गवर्नमेंट सीट है उसके पेमेंट सीट, तीन कॉलेज है तीनों को पेमेंट सीट पे जो पेमेंट हैं फीस स्ट्रक्चर वो कॉमन रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लें या फिर NRI सीट पे एडमिशन लें या फिर गवर्नमेंट सीट पे, अब पेमेंट सीट मतलब तीनों कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर सेम रहेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी सेम है, तो फीस स्ट्रक्चर तीनों कॉलेज का सेम रहेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट ईयर में, देखिए ये सब फीस स्ट्रक्चर सेम रहेंगे चाहे कोई भी सीट में एडमिशन हो, गवर्नमेंट सीट पे लो या फिर गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लो या फिर पेमेंट सीट पे एडमिशन लो या फिर NRI सीट पे एडमिशन लो। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज है पेमेंट सीट और NRI सीट के लिए वो हम बता देंगे, बट एडमिशन जब चार्ज लेंगे जब एडमिशन लेंगे तो आपको 2000 लगेंगे, ठीक है। 2000 लगेंगे चाहे कोई भी सीट पे एडमिशन लो, गवर्नमेंट सीट, पेमेंट सीट, मैनेजमेंट सीट या फिर NRI सीट पे, ठीक है, कॉमन है। और एडमिशन तो एक ही बार होती है कॉलेज में, फिर सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में तो एडमिशन होता नहीं, क्योंकि अब एडमिशन कैसे होगा, दो के थ्रू, पहले नीट एग्जाम और दूसरा ये एग्जाम खुद कंडक्ट करती है, तो आप दोनों के थ्रू जा सकते हैं। और यदि ये एग्जाम खुद जो कंडक्ट करती है तो सिर्फ स्टेट वालों के लिए है, मतलब मध्य प्रदेश स्टेट वाले जिसका जो रेसिडेंस है मध्य प्रदेश है वही सिर्फ अप्लाई कर सकता है, बट नीट वाला कोई भी अदर स्टेट वाला भी इसमें जा सकता है BCI के थ्रू, ठीक है। तो जनरल एडमिशन के रिगार्डिंग का जहाँ आप डिस्कस करेंगे या फीस स्ट्रक्चर जो मेन पर्पस है, जो देखो एडमिशन फी आपको 2000 लेंगे कोई भी सीट पे एडमिशन लो, डिग्री फी आपको 2000 फिर से लेंगे, ठीक है। और कॉलेज इनरोलमेंट फी 3000 लेंगे, और ये हर एक साल 3000 ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 3000, सेकंड ईयर 3000, थर्ड में भी 3000, फोर्थ ईयर में डेढ़ साल की कोर्स होती है तो 3000 ही लेंगे, और फिफ्थ में फिर से 3000 लेंगे, कॉलेज इनरोलमेंट फी होती है। अब क्या होती है छोड़ बताओ, बट ये चार्ज लेगी। अब देखो थोड़ा सा सिक्योरिटी चार्ज लेगा कॉलेज का, देखो 2500 रुपीज़ लेंगे, ठीक है 2500 रुपीज़ लेंगे कॉलेज चार्ज, इसमें लाइब्रेरी चार्ज कोई नहीं लेते हैं, लेकिन लाइब्रेरी कार्ड के लिए, आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको 150 रुपीज़ लेंगे, और इंश्योरेंस के लिए इतना चार्ज लेंगे, ये सब चार्ज है बट लेंगे वो, ठीक है। और देखो यूनिवर्सिटी रूल बुक के लिए, अब बुक आप वहाँ से यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी से लेंगे, उसका भी चार्ज कुछ ले लेता है, ठीक है, पढ़ने के लिए, बट परमानेंट बुक देगा नहीं आपको, तो ये 100 रुपीज़ लेंगे। अब देखो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, न्यूज़ लेटर भी आते हैं, ये सब चीज़ के लिए हर एक साल 250 रुपीज़, तो पर ईयर ऐसे लेंगे। देन है कॉलेज मेनमाइन जो है, सॉरी कॉलेज मागा जाए क्या है पता नहीं, बट 500 लगेंगे ईच ईयर, ठीक है 500, तो ये भी आपको समझाना चाहिए कि कौन कौन सा चार्ज है। अब ये तीनों सब गवर्नमेंट सीट, पेमेंट सीट, मैनेजमेंट सीट और NRI सीट के लिए कॉमन है। अब इसका फी अलग आएगा जब इसका बताएंगे, अभी तो बस इस पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी कोई इससे कुछ अलग अलग फी है, फंड 1000 लेंगे, 1000 लेंगे ईच ईयर, वन ईयर, ठीक है। एग्जामिनेशन फी 5000 लेंगे ईच ईयर, ये कॉमन हो गया फिर, ठीक है। अब देखो फिर है लाइब्रेरी फी, देखो 2000 पर ईयर, ठीक है, लाइब्रेरी फी आगे नहीं लिया था, ठीक है ना, तो वहाँ लाइब्रेरी फी ले रहा है 2000 पर ईयर। और यहाँ पे है गेम एंड स्पोर्ट चार्ज का भी लेगा आपको 2000, लेकिन फोर्थ ईयर में 3000 लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डेढ़ साल की कोर्स होती है। लाइब्रेरी चार्ज देख लिए। अब मेडिकल एग्जामिनेशन फी देख लिया, आपका तबियत बिगड़ जाता है, अभी बिगड़ता है नहीं बिगड़ता है फिर उसको चार्ज ले लेता है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं तो उसको चार्ज ले लेते हैं वो, ठीक है, तो ये चार्ज था। देन लाइब्रेरी एंड कल्चर फी 1000 पर ईयर, लेकिन एक्सेप्ट फोर्थ ईयर क्योंकि डेढ़ साल है तो वहाँ पे 1500 लेंगे। देन है कॉलेज अमलगमाइजेशन 5000 पर ईयर एक्सेप्ट फोर ईयर, यहाँ पे 7500 रुपये लगेंगे। कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटी के लिए 1000 पर ईयर एक्सेप्ट फोर ईयर, यहाँ पे डेढ़ साल की कोर्स है तो 1500 लेंगे। अब ट्यूशन फी, यहीं पे फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है पेमेंट सीट के लिए और गवर्नमेंट सीट के लिए और NRI सीट के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को जो डाउट रहता है मेनली, तो चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं मेन मुद्दा पे। यहाँ पे अब अलग हो जाती है, जो ऊपर वाला दिखाई हो तीनों सीटों के लिए कॉमन है, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ लगता है फीस स्ट्रक्चर ट्यूशन के लिए, ट्यूशन फी, ठीक है, 40000 पर ईयर, 40000 सेकेंड ईयर, 40000 थर्ड ईयर एंड 60000 फोर्थ ईयर का, ये डेढ़ साल की कोर्स है, एंड फिफ्थ ईयर 40000, ये है गवर्नमेंट सीट के लिए फ्री सीट, फ्री सीट के लिए, फ्री सीट मतलब गवर्नमेंट सीट के लिए, ठीक है। तो 40000 लग रहे पर ईयर एक्सेप्ट फोर ईयर, वहाँ पे 60000 लग रहे हैं। देन है पेमेंट सीट के लिए, देखो पेमेंट सीट में थोड़ा ज़्यादा डेविएशन होता है, 2 लाख
2 लाख फर्स्ट ईयर, 2 लाख थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 2 लाख अगेंस्ट, एंड फोर्थ जो डेढ़ साल की कोर्स है 1.5 ईयर, तो वहाँ पे 3.5 लाख पर ईयर, ठीक है, एंड फिफ्थ ईयर 2 लाख। तो देखो वो एक्स्ट्रा चार्ज पेमेंट से जो गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लिया है उसको ए सीट देना होगा ट्यूशन फी के लिए, और अपर वाला जो जितना था, ठीक है, और पेमेंट सीट के लिए यदि पेमेंट सीट पे एडमिशन ले रहे हैं तो वो ट्यूशन फी इतना ही देना होगा, बाकी सीट कॉमन है। देन है एनआरआई सीट के लिए, एनआरआई सीट के लिए थोड़ा देखो, एनआरआई वही स्टूडेंट होता है जो इंडियन होता है बट वो किसी अदर स्टेट कंट्री में रहता है, ठीक है, 6 महीना से ज़्यादा, तो वो ज़्यादा एनआरआई सीट। तो अब देखो उसके लिए $9,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, $9,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, और यहाँ पे $13,500 एक्स्ट्रा लगेंगे, यहाँ पे 9,000, ठीक है, ये फी स्ट्रक्चर है। यू एस डॉलर पता है ना, इंडियन रुपीज़ से कैसे कन्वर्जन करोगे ये आपको कैलकुलेट करना है, एक थोड़ा सा जनरल था। देन है अब देखो कि ग्रैंड टोटल, अब टोटल ऐड किया जाए अपर वाला जो अपर वाला डिस्कस किए, ये सब यूनिवर्सिटी एडमिशन चार्ज, कॉलेज चार्ज, मैनेजमेंट स्टूडेंट, लाइब्रेरी, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जब सिर्फ टोटल ऐड किया जाए कहाँ था, ठीक है, तो अब देखो कितना चार्ज आपको लगेंगे। तो एक्स्ट्रा चार्ज है ये थोड़ा, कॉलेज मांगा है गवर्नमेंट है ताकि फैसिलिटी अच्छा देंगे कॉलेज, तो आपका चार्ज लेंगे क्योंकि वो फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए चार्ज रखते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेज हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते तो उसका चार्ज कम रहता है, जैसे मेरे कॉलेज है वहाँ फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट है तो कॉलेज बहुत कम है कॉलेज चार्ज, ओके। देन अब देखो यदि आप गवर्नमेंट पे एडमिशन लेते हैं, गवर्नमेंट सीट पे नीट के थ्रू या फिर उसका खुद एग्जाम जो कंडक्ट करती है, तो वो फर्स्ट ईयर कितना है, 73,860 रुपीज़ पर ईयर लगेंगे, इसमें हॉस्टल चार्ज इंक्लूड नहीं है, सिर्फ कॉलेज चार्ज है, ठीक है, 73,860 रुपीज़। देन है सेकेंड ईयर में आपको 66,750 रुपीज़, थर्ड ईयर 66,750 रुपीज़ कॉमन है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फिफ्थ ईयर में थोड़ा, फिर देखो सबसे ज़्यादा फोर्थ ईयर में होता है क्योंकि डेढ़ साल की कोर्स होती है, तो ये देखो 95,250 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्स 1 लाख लग रहा है, बट ही गवर्नमेंट सीट है, ठीक है, फैसिलिटीज हैं तो उसे चार्ज लेंगे, नो डाउट। अब देखो पेमेंट सीट के लिए ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज होता है क्या, ये थोड़ा समझने वाला है, पेमेंट शीट वाला, एनआरआई शीट वाला। देखो 2 लाख ट्यूशन चार्ज था एक्स्ट्रा, ये आपको इंडियन रुपीज़ देना होंगे, जो ऊपर वाला जो डिस्कस किए थे उसको कैलकुलेट करके लिख दिया है कि आपको इतना 1000 लगेंगे, 33,860 रुपीज़ प्लस 2.5 लाख, तो इतना जोड़ लेना, 2.5 लाख प्लस 63,000 इतना रुपीज़, ठीक है, तो इतना जोड़ लेना, तो लगभग कितना आ जाएगा, इधर 2.5 लाख इधर 63, तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, इधर 5, 1 मिनट, 2 लाख, 1 मिनट कैलकुलेशन करते हैं तब तक, कितने चार्ज लगेंगे हमें ऐड कर दिए, ठीक है, यह है कॉलेज चार्ज और यह है एडमिशन वेडमिशन जो चार्ज था, मतलब ट्यूशन चार्ज ऊपर वाला है, ठीक है, तो लगभग आपको पेमेंट सिर्फ एडमिशन मैनेजमेंट सिर्फ एडमिशन लेंगे तो 2,83,862 रुपये लगेंगे फर्स्ट ईयर, इसी तरह सेकेंड ईयर में जोड़ लेना, थर्ड ईयर में जोड़ लेना, और आपको बस दिखा दिया, आपको जानते हो आपको जोड़ना होना, आपको खुद का काम है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे लोगों को पता नहीं चलता कि फिर कैसे कहाँ है ऑफिशियल साइट पे, इसलिए मैं ढूंढ के ला दिया हूँ, आप कैलकुलेट कर लो। अब यूएस डॉलर भी एनआरआई के लिए आप कैलकुलेट कर लेना कि एक यूएस डॉलर में कितना इंडियन रुपीज़ होता है, लगभग 1 यूएस डॉलर इक्वल टू होता है 83.3 यूएस डॉलर, ठीक है, एक यूएस डॉलर इक्वल टू 83.3 रुपीज़ होता है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना तो मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए। देन देखो हॉस्टल चला अलग है, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो इतना वीडियो लेंदी हो जाएगा कहीं बोलेंगे, ठीक है, और इसको कैलकुलेट खुद करना। देखो हॉस्टल चला अलग है, आपको हॉस्टल चला सिक्योरिटी चार्ज ले लेगा फर्स्ट ईयर में 2,500 रुपीज़, सेकेंड थर्ड ईयर में लगेंगे सिक्योरिटी चार्ज, देन है हॉस्टल में प्राइस अलग अलग चार्ज हैं, फिर 5,000 लगेंगे, फिर 5,000, 5,000, 5,000, इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट ईयर में ले लेंगे आपको 1500, बाकी कोई नहीं लगेगा। हॉस्टल की जो रूम रेंट है ये लगता है आपको पर ईयर में 12,000 एक्सेप्ट, यहाँ डेढ़ साल की है तो उसका डेढ़ टाइम लगेगा, है ना, तो 18,000 ईयर में लगेंगे, मंथली नहीं लगेंगे, और ये है फिर फिफ्थ ईयर में 12,000, और टोटल हॉस्टल चार्ज ऐड किया जाए तो इतना लगेंगे आपको पर ईयर। तो देखो हॉस्टल चार्ज भी ऐड कर लो 22,000 फर्स्ट ईयर, 17,000 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 17,000 अगेंस्ट, फोर्थ ईयर 25,500 रुपीज़ एंड अगेंस्ट, लास्ट फिफ्थ ईयर में लगोगे 17,000। अब दोनों ऐड कर दो कॉलेज चार्ज, देखो ये तीनों सीट के लिए कॉमन है हॉस्टल चार्ज, चाहे आप किसी भी सीट से आएँ, गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लेके आएँ या फिर पेमेंट सीट पे एडमिशन लेके आएँ या फिर एनआरआई सीट पे एडमिशन लें, हॉस्टल चार्ज सेम होती है, कोई अलग नहीं होती, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा ऐड कर लेना
तो अब इसमें ऐड कर लेना कि यहाँ पे यदि आप गवर्नमेंट फी स्ट्रक्चर मतलब गवर्नमेंट से पे आ रहे हैं, तो आप देखो फर्स्ट ईयर में 73 लाख, 73,000 प्लस समथिंग और 21, तो कितना हो गया इधर, ऐड कर लो 21,000 इधर ऐड करने आता है कि नहीं, 73 अप्रोक्स मान लिया, तो अप्रोक्स 74 मान लेते हैं फर्स्ट ईयर का ए वाला, ठीक है। इधर 21 तो 5 9, तो अप्रोक्स 1 लाख पड़ रहा है गवर्नमेंट सीट के लिए भी फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर जो लेना, ठीक है, महंगा कॉलेज है, गवर्नमेंट है, बट फैसिलिटी देगा, अच्छा नॉलेज देगा, फैसिलिटी अवेलेबल रखेगा, तो उसको मेंटेनेंस ले लेता है, ठीक है। बाकी थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। दूसरा दे रखिए यहाँ पर टेस्ट, PV एंड BT टेस्ट, ठीक है। तो उसके टू पर नीट सेकेंड ए जो खुद एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कन्वर्टिव बाई, तो दो फिर वेटनरी या फिर फ्रीसी टेस्ट एक कॉमन होती है, तो दो तरीके से एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला नीट, दूसरा ये। और कुछ डाउट आता है लोगों को कि फी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब फी स्ट्रक्चर तो बता ही दिए, तो कुछ कुछ फी स्ट्रक्चर बता ही दिए, ठीक है। थैंक्स, बाय।